अस्सलाम वालेकुम, मैं उनिका मोहम्मद और मैं मौजूद हूँ जैनब मार्केट के पास, जहाँ पे लोगों की दुकानें बंद हैं। जैसे कि सिंध गवर्नमेंट ने कल जो है इनकी दुकानें बंद करवा दी थी। आइए इन लोगों से जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है जो बंद करवाई गई हैं, और अगर रश लग रहा था तो किस चीज़ का रश लग रहा था। आइए चलते हैं। पूरे मार्केट के अंदर पुलिस ही पुलिस घुस गई और सब कस्टमरों को बाहर निकाला, और काफ़ी दुकानदारों ने पूछा भाई क्या वजह है, क्यों बंद करें, तो बोला रश बहुत है। लेकिन जितने भी दुकानदार हैं अपने SOBC भी तो चल रहे हैं, सबके पास मास्क या ग्लव वगैरह लगे हुए थे, सेलमैनों को भी दिए हुए थे। लेकिन ये कि इतनी पब्लिक है एक साथ आई है, टाइमिंग बहुत कम है, तो इसको कंट्रोल करना दुकानदार का तो काम नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का काम है। तो अभी गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे, काफ़ी टाइम से मार्केटें बंद थी, 3 दिन के लिए खुली हैं, वो भी आज बंद करवा के गए, तो हम बैठे हुए मार्केट के बाहर। और बाहर एक ये पर्चा लगा के गए, वो आपके सामने है, आप देखेंगे उस पर ये है कि लिखा हुआ है कि मार्केट आपकी सील हुई हुई है। तो हम सुबह से आए हुए लेकिन खुला नहीं है अभी भी। आवाम का रश इस वजह से लग रहा है कि टाइमिंग शॉर्ट है और दिन कम है, मंडे से थर्सडे तक टाइम कम है, तो इस वजह से आवाम का रश तो लगेगा ही। तो इस वजह अब देखें आगे क्या सूरत हाल होती है, अब कुछ पता नहीं। टाइम बढ़ाएं थोड़ा सा आवाम को भी रिलीफ दें। मार्केट के अंदर इंतजामिया भी बैठी हुई है, यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर कहने का मकसद है आवाम को तो आप नहीं रोक सकते हो ना। आवाम तो है ही, और जाहिर सी बात है खरीदारी जितने करनी है तो वो तो आएगा, ज़रूर आएगा। मैं खुद इस मार्केट में मुलाज़िम हूँ, और हम लोग चार गेटों में हमारे चार बंदे बैठे होते, बाकायदा पानी और जो ना मास्क भी दे रहे थे, और जो बंदा सैनिटाइज़र वो भी मार रहे थे, किसी को भी ऐसे अंदर जाने नहीं दिया। सिर्फ थोड़ा सा फासले पे खड़े हो जाते ना, कुछ भी नहीं होता। हमने पूरी कोई हमने यानी कि कोई कह सकते कोई बेहतियाती नहीं की, आने जाने वाले को वॉर्न किया हमने, यहाँ पे गए देखे एक मिनट रुके आप सैनिटाइजर लगाएं अंदर भेजें, मास्क लगा के भेजें बच्चों को जितना हो सके। बहुत सी तो ऐसी थी हम लोग कहते हटे हटे यार, हम घर से लगा कर रहे हैं फलाने, इतने इतने से बच्चों को लिए, अब हम कह रहे हैं आप बच्चों को अंदर नहीं लेके जाए, हमने तो रोका उन लोगों को। सर इतनी मजमे ऐसे ऑफिस कैसे फॉलो कर सकती है, ऐसे ऑफिस उस वक्त फॉलो कर सकती है जब मजमा कम हो, जब रश कम हो, जब रश ज़्यादा हो जाएगा, मजमा ज़्यादा हो जाएगा तो आप ऐसा प्लानिंग करते हैं कि लोग भाई जो कम आए समझे, और जो इस इलाके के लोग आएंगे तो इस तरीके से जो है वो मजमा इतना जमा ना होता। अभी बच्चे हम तो चलो बड़े हैं, बच्चे बोलते हैं अब्बा मैं क्या पहनूंगा, बेटी बोल रही है क्या पहनूंगी, सैंडल मुझे चाहिए, चूड़ियाँ मुझे चाहिए, अब वो कैसे ईद मनाएंगे। हमारे साल में 2 त्यौहार आते हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह समझे, हम इस ईद में त्यौहार में हम अपनी खुशी नहीं मनाएंगे, किसमें कब बनाएंगे हम। जी तो नाज़रीन, आपने दुकानदार की गुफ्तगू सुनी और उनके व्यूज़ सुने, उनका कहना है कि लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, अब वो लोगों को किस हद तक रोकेंगे। हालांकि उन्होंने एक हद तक ख्याल रखने की कोशिश की गई है, एंट्री पॉइंट्स पे जो है वो लोगों को सैनिटाइज़ किया जा रहा था और उनको चेक किया जा रहा था, लेकिन वो एक हद तक चेक करते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादातर ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पे आती है कि वो लोगों को या तो टाइम बढ़ा दे, या तो टाइम जो अगर कम किया हुआ है तो फिर लोगों को चेक करे कि किसको अंदर जाना है किसको नहीं। जी